हेलो, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तिल का लड्डू बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनता है तिल का लड्डू। इसे बिना चीनी और बिना गुड़ का बनाएंगे। एक पैन गर्म करेंगे। पैन में एक कटोरी तिल डालेंगे। तिल को डालकर इसे भून लेंगे। लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। 3 से 4 मिनट लगेगा तिल को भूनने में। बीच से बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे तिल को। तिल भूनने लगा है, 1 मिनट और लगेगा तिल को भूनने में। तिल भून गया है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तिल चटकने लगा है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने पे इसे ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। उसी पैन को फिर से गर्म कर लेंगे। 1 कप खोया डालेंगे। 2 चम्मच दूध डालकर खोए को भून लेंगे। दूध डालने से खोया जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। फ्रीज में रखा हुआ था खोया, इसलिए कड़क हो गया है। खोए को 3 से 4 मिनट भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे। ज़्यादा तेज आंच पे इसे नहीं भूनेंगे। 3 से 4 मिनट इसे भून लेंगे। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होता है। खोए को भून लिए हैं, घी इसका सेपरेट हो गया है। ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। एक साइड तिल को पीस लेंगे ग्राइंडर जार में डालकर। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे खोए को। तिल को पीस कर इसे बोल में डालेंगे। हल्का सा दरदरा ही पीसे हैं, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया है इसका। इसमें डाल लेंगे खोए को, भुना हुआ खोया डालेंगे। 1 कटोरी तिल में 1 कटोरी खोया डालेंगे। खोए को डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। खोए को अच्छे से मिक्स करना है तिल में। बहुत ही अच्छे से लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। मीठे के लिए इसमें शक्कर बूरा डालेंगे। 1 कटोरी शक्कर बूरा डालेंगे। आप चाहे तो शक्कर का पाउडर भी बनाकर डाल सकते हैं। 1 कटोरी शक्कर बूरा डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपका लड्डू नहीं बन रहा तो 1 से 2 चम्मच इसमें आप घी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। हल्का सा खोया गर्म है, इसे चम्मच से ही मिक्स करेंगे। हल्का सा ठंडा होने पे इसका लड्डू बना लेंगे। आप अपने पसंद से छोटा बड़ा साइज बना सकते हैं लड्डू का। बहुत ही कम सामान में बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तिल खोए का लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से सारे लड्डू को बना लेंगे। आप अपने पसंद से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। इसी तरीके से सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लिए हैं। 1 कप तिल से 10 से 12 लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट बनता है इस तरीके से लड्डू। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। थैंक यू, बाय।